हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन और मैं हूं आपके इकोनॉमिक्स एजुकेटर गौरी जादौन और लेकर आ गई हूं आपके लिए एक और बहुत ही बेहतरीन सेशन सो बिफोर दैट आई लाइक टू टेल यू दैट मैग्नेट ब्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन अगर आप सी के स्टूडेंट हैं तो आपको बताना चाहूंगी कि किंडर गार्डन से लेकर क्लास ट्वेल्व तक के सारे कोर्सेज एप्सल्यूटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहां पर हम लोग कवर करते हैं फ्रॉम क्लास सिक्स टू क्लास ट्वेल्व ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स अवेलेबल जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी गिवन है तो एक बार जाकर आप जरूर आउट कर सकते हैं नॉट जस्ट वी फॉलो डिफरेंट स्टेट बोर्ड एज वेल जैसे कि यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड डेही बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड सो एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू हेयर तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को तो वी मूव फॉरवर्ड क्विकली हम लोग देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले स्टूडेंट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसका कैसे रिलेशन होगा टोटल एक्सपेंडिचर से ऑलरेडी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आ चुके हैं कि भाई डिमांड कब इलास्टिक रहती है कब इलास्टिक नहीं रहती है है ना हाईली इलास्टिक कब रहती है लेस इलास्टिक कब रहती है वट इज द लॉ ऑफ डिमांड और डिमांड के सारी चीजों को हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई उसके डिटर्मिन क्या है सो वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन डिमांड लेकिन अब हमें क्या करना एक लेवल है एक लेवलअ करना है जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर से और किसी भी चीज की क्या वो हाईली इलास्टिक है कि लेस इलास्टिक है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है देखो बहुत छोटा सा ही टॉपिक है बहुत जल्दी कवर हो जाएगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्या होता है कि छोटे छुड़ छोटे टॉपिक्स को मिला के एक बड़ा सा क्वेश्चन बना दिया जाता है फिर आप सर चकरा के बैठे रहते हो कि भाई मैंने कहाँ पढ़ा है कहाँ से आ गए ऐसे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व ही नहीं करे आपने करे हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व लेकिन क्या होता है ना हम छोटी छुड़ छोटी चीज़ों को हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि पहले बड़ी चीजें पढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट है और ये सारी चीजें जुड़ के एक क्वेश्चन बन के आ जाती है हमारे सामने और फिर हम में कुछ भी समझ नहीं आता so that is why की problem आपके साथ हमारे के साथ जो हमारे हमारे साथ हमारे 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 के जो पढ़ रहे हैं फ्रॉम डे वन उनके साथ ना हो, कि ईच एंड एवरी टॉपिक को हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से कवर करें फाइन तो स्टार्ट करें आज की क्लास स्टूडेंट्स एक्साइटेड स्टार्ट तो बहुत छोटा सा है ना सिर्फ तीन चार चीज़ें हमें डिस्कस करनी है और किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ये भी मैं आपको बताती हुई चली जाऊँगी तो बिल्कुल भी अलर्ट रहना है और केयरफुल रहना है और अपनी कॉपी में नोट्स बहुत अच्छे से आपको बनाने हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्टूडेंट्स दैट इज द इलास्टिसिटी इज मोर देन वन तो मैं बोल सकती हूँ अगर इलास्टिसिटी अगर हम बात कर रहे हैं कि मोर देन वन है मतलब इलास्टिक है हाईली इलास्टिक है मतलब तो थोड़ा भी प्राइस ऊपर नीचे होता है ना तो कंज्यूमर चार बार सोचने लगता है कि खरीदना है कि नहीं खरीदना ये मेरे टाइप के लोग हैं ठीक है क्या है आई आई एम बेसिकली अ कंज्यूज कंज्यूमर है ना मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ ये चीज कि भाई किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले ना मैं सौ बार सोचती हूँ कि मुझे लेना है कि मुझे नहीं लेना और इतनी बार सोच सोचने के बाद क्या होता है कि उस चीज़ को मैं लेती ही नहीं हूँ जाने देती हूँ सो दैट इज वाई यहाँ पे हमें समझना है कि जब भी कोई प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं है ना तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा है दोनों को मैं कंपेयर कर रही हूँ तो प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं और टोटल एक्सपेंडिचर कैसे बदल रहा है और किस तरीके से हमारी डिमांड की इलास्टिसिटी को कवर करता है उसको हम यहाँ पे जज करने वाले हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है दैट तो इलास्टिसिटी इज मोर देन वन क्या है इलास्टिसिटी इज मोर देन वन जस्ट द सेकेंड स्टूडेंट्स ओके सो वेन द डिमांड इज इलास्टिक प्राइस ऑफ कमोडिटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं कि डिमांड हमारी इलास्टिक है जैसे कि इस केस में देखो कि प्राइस हमारा पांच से चार हो गया तो प्राइस हमारा फॉल हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया पहले कहाँ मैं पांच रुपये में पांच सौ तक का खर्चा कर रही थी टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं हम लोग प्राइस इन टू क्वान्टिटी है ना कि मेरे को समझना है कि भाई मैंने कितना खर्चा किया तो मैं देखूंगी भाई कि मैंने कितना परचेज़ किया मैंने दस टॉफियाँ परचेज़ करी वो सारी टॉफियाँ कितनी की कि थी दस रुपये की एक थी तो मैंने कैलकुलेट किया कि दस टॉफीज मैंने लेके आई और दस रुपये उसका प्राइस था तो मतलब मैंने कितना कर दिया सौ रुपये का खर्चा कर दिया हमने निकाल लिया कैसे निकाला प्राइस इंटू क्वान्टिटी करके सिमिलरली वो सेम फॉर्मला यहाँ पे हो रहा है कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है दिस इज़ ऑल्सो प्राइज इंटू क्वांटिटी ऑलरेडी रिटर्न तो भाई जब पाँच रुपये की चीज थी और हंड्रेड यूनिट्स में परचेज कर रही थी तो मैं पाँच सौ यूनिट्स कर रही थी अब क्या हो गया भाई मैं पाँच से चार पे आ गई तो क्या हो गया देर इज अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी पाँच से चार पे आ गई तो प्राइस मेरा गिर गया और क्वांटिटी मेरी बढ़ गई क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो यही कहता है ना कि जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और जब भी प्राइस घटेगा तो डिमांड उसकी बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो गया प्राइस गिरा तो डिमांड क्या हो गई मेरी बढ़ गई हंड्रेड से कितनी हो गई वन फोर्टी हो गई राइट सो वी किट सी कि जो हमारी डिमांड थी वो बढ़ गई ठीक है लेकिन क्या हुआ एक और चीज हुई है जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना वो बढ़ गया तो क्या मैं बोल सकती हूं कि ये वाले सिचुएशन ऐसी है व्हेन ईरी इज ग्रेटर देन वन तो हम बोल सकते हैं द प्राइस विल डिक्रीज सो हम बोल सकते हैं देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स अपोजिट नेगेटिव है ना दोनों में बिल्कुल बन नहीं रही है तो क्या होता है कभी बार कोई चीज हमें सस्ती मिलती है ना हम उसको थोक में परचेज कर लेते हैं कहां मैं सिर्फ पांच यूनिट्स खरीद रही थी अब मैंने ला सस्ती हो गई तो मैं और ज्यादा खरीद लेती हूँ वन फोर्टी यूनिट्स मैंने खरीद ली ले, लेकिन क्या हो गया उस टाइम के लिए मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ गया कई बार आप देखते हो ना कि आप डीमार्ट गए है ना आप कुछ सामान लेने जाते हो लेकिन भर के लेके आते हो बहुत सारा सामान डीमार्ट जगह ही ऐसी आपको वहाँ पे सब चीज़ें इतनी सस्ती नजर आती है मन करता है ये भी ले लो वो भी ले लो सब ले लो तो जब हम चीज़ खरीदने के सिर्फ एक लेके आ रहे हैं सौ चीज़ तो क्या होता है जब कोई चीज़ हमें सस्ती मिलती है ना तो हमारा मन ललचाता है कि यार उसको मैं और ले लूँ है ना वी वी ऑल फील लाइक दैट कैन परचे मोर तो सिमिलरली क्या होता है कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरा जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है ना वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता था क्यों क्योंकि कोई क्यों क्यों चीज़ सस्ती मिल रही है, है अभी ले लो बाद में काम आ जाएगी बाद में नहीं लेना पड़ेगा तो फिर से बराबर ही बैठ जाना है होता है डिस्कशन के आई थिंक फैमिली में डिस्कशन लगातार होते रहते हैं जब भी हम बजटिंग करते हैं राशन लेने जाते हैं कोई भी सामान लेने हम मार्केट जाते हैं कि ठीक है ना तू भी एक टॉप खरीद ले कोई दिक्कत नहीं बाद में मत लेना हम क्या करते हैं कंपनसेट करने की कोशिश करते कि अभी ले लो बाद की बाद में देखेंगे तो सिचुएशन को मैं क्या बोल सकती हूँ सिचुएशन से बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है प्राइस गिरा लोगों ने थोक में सामान खरीदना परचेज किया तो देखा कि सौ जाए जा रहे थे पाँच सौ रुपये का खर्चा हो रहा था अब हो रहा है भाई पाँच सौ साठ का खर्चा साठ रुपये और खर्चा करके आ गए जब प्राइस कम हो गया तो कोई भी सुनेगा तो बोलेगा ये तो बड़े बेवकूफ हैं लेकिन जब उसको समझाओगे कि नहीं भाई सस्ता मिल रहा था थोक में खरीद के लेके आई आयूँ कहां हर महीने जाना पड़ता छह महीने की छुट्टी हो गई अब तो क्या समझा रही हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कि कई बार जब मैं टोटल एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ और जब डिमांड हाईली इलास्टिक हो मतलब थोड़ा भी प्राइस गिर रहा है कम हो रहा है बढ़ रहा है ज्यादा हो रहा है तो कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड में आपको बहुत सारा चेंज देखने को मिल रहा है जैसे कि इस केस में कि भैया पांच से चार हुआ तो हंड्रेड से वन हो गया तो क्या बता रहा है कि जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा क्यों भाई क्योंकि कम प्राइस हो रहा था तो क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी तो मेरा खर्चा ही बढ़ गया सो यू हैव टू रिमेंबर इन द केस ऑफ व्हेन इलासिटी ऑफ डिमांड जिसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन उस केस को मैं क्या बोल रही हूँ प्राइस फॉल्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस यानी प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में क्या है इनवर्स एंड अपोजिट रिलेशनशिप गॉट इट स्टूडेंट्स एक बार इसका हमें क्या लेना है जल्दी से स्क्रीन पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ है ना ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी बनी रहे बाकी ये वाला ठीक है और ये वाला पॉइंट आपको तो ध्यान में रखना ही है ओके सो जस्ट एक अ क्विक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस वर्ल्ड एंड देन यू वो वॉन्ट टू द सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखना है कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है गॉट इट सो इट इज ग्रेटर देन वन बिकॉज टोटल एक्सपेंडिचर राइज इज विद फॉल इन प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है ओके okay? चलो समझ आया लॉजिक देखना है हमेशा बिल्कुल अंधा यह नहीं देखना है कि प्राइस बड़ा क्वान्टिटी बस हटा दो बाकी सारी चीज़ों को भी बहुत लॉजिकली जब सोचोगे ना तो इकोनॉमिक्स को बहुत अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से बहुत क्लोज पाओगे कि ठीक है ये तो लाइफ में हम करते ही हैं तो सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग गॉट इट शल यू मूव फॉरवर्ड ऑफकोर्स वी हैव टू सो सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं दैट ई डी इज़ लेस देन वन लेस देन वन का क्या मतलब होता है कि प्राइस अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो इतना ज़्यादा हम ना उसमें दिमाग नहीं लगाते हम इतना ज़्यादा चेंज लेके नहीं आते चेंजेस डेफिनेटली होते हैं ठीक है कोई सस्ती मिल रही चीज़ तो ठीक है एक दो डाल ले एकदम बिल्कुल ऐसा हम जुनून वाले कस्टमर्स नहीं है कंज्यूमर्स नहीं है इतना सस्ता हो गया दस बारह चीज खरीद ले इतना हम खर्चा नहीं करते लेकिन थोड़ा बहुत हमारे खर्चे में चेंजेस आ जाते हैं आप यहाँ पे देखो प्राइस क्या हो गया फाइव से फोर हो गया अगेन देर इज अ डिक्रीज इन प्राइस लेट्स सी सो देर इज डिक्रीज इन प्राइस अफकोर्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी विल इंक्रीज डिमांड तो बढ़ गई बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड जो था बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया ठीक है लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया टोटल एक्सपेंडिचर भी गिर गया ये कैसे हुआ कि ऑफ कोर्स मैंने क्वांटिटी भी बढ़ाई है ना मैं ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने लगी उसके बाद मेरा प्राइस क्यों गिरा क्योंकि मैंने एकदम थोक में ज्यादा माल नहीं लिया थोक में ज्यादा मैंने सामान नहीं लिया एक लिमिटेड ही मैंने बढ़ाया तो मैं बोल सकती हूँ अगर प्राइस गिरा फिर भी उसके बाद ही मैंने कोई ऐसा अंधा ऐसा एकदम ओवर द टॉप जाके शॉपिंग नहीं करी आई मेनटेन की ठीक है इतना मुझे जरूरत है तो मुझे उतना ही लेना है एक बार इसका क्विक रीडिंग करते हैं सो द डिमांड इज इन इलास्टिक यानी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता विद द चेंज इन द प्राइस एंड द कमोडिटी में ज्यादा फर्क आपको नहीं देखने को मिलेगा अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लीड्स टू द फॉल इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन इट

है फाइन जस्ट टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस रिमेंबर दैट इज लेस देन वन बिकॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स विद द फॉल्स इन प्राइस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए डन स्टूडेंट्स समझ आ रहा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि भाई प्राय हम क्या चीजों को कंपेयर कर रहे हैं प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर कर रहे हैं ओके नेक्स्ट वी हैव इज़ द थर्ड पॉइंट अस दैट इज़ इलास्टिसिटी और हम उसको बोलते हैं कितना ये इलास्टिक है कि नहीं हम देख रहे हैं भाई कि ईड इज इक्वल टू वन इक्वल्स टू वन का मतलब क्या होता है कि हमें ज़्यादा ना कुछ चेंज देखने को मिलता ही नहीं है और जितना हम पहला खर्चा कर रहे हैं तभी भी उतना ही खर्चा कर रहे होते हैं मतलब क्या होता है ना कुछ होते हैं ना स्ट्रिक्ट डैड्स राशन में इतने ही पैसे दे रहा हूँ इतने में ही लेके आओ जितना सामान है इतने में लेके आओ ऐसा नहीं कि कोई चीज सस्ती होगी तो भर के ले आओ जितने की जरूरत है सिर्फ उतना ही लेके आओ तो उसको क्या बोल रहे हैं कि जब प्राइस हमारा यहाँ पे क्या हो गया अगेन गिर रहा है प्राइस हमारा फॉल हो गया क्वान्टिटी क्या आती है अगेन मैंने बढ़ा दी ठीक है यहां मैं बोल सकती हूँ डिमांड बढ़ा दी तो आपको वैसे ज्यादा समझ आएगा क्योंकि हमें आदत है ना डिमांड को पढ़ने की विद प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा है देर इज नो चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर इट इज सेम मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स जब फाइव से फोर पे आ रहा है हमारा हमने पच्चीस यूनिट बढ़ा भी दिया उसके बाद भी जो हमारा जो सेम आ रहा है यूनिट्स तो उसके इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ जो हमारी डिमांड है रिमेन रहती है सेम इवन आफ्टर द फॉल इन प्राइजेस तो अगर सेम है इट इज़ इक्वल्स टू क्विक रीडिंग इसका लेके जाओ वन द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक है ना यूनिटरी इलास्टिक यूनिट मतलब वन पे रहता है तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डज नॉट चेंज द टोटल एक्सपेंडिचर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कुछ भी करता रहो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सो इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर विल रिमेन अनचेंज और कॉन्स्टेंट और विल नॉट चेंज इन द केस ऑफ वेन ईडी ग्रेटर टू फॉर इक्वल्स टू ओके, क्लियर? Okay? क्या करना है आप क्या करते हैं हम स्क्रीन लेते हैं चलो जल्दी से स्क्रीन सिचुएशंस मैंने पढ़ी हैं। कौन कौन सी ये तीन सिचुएशन मैंने पढ़ी है इसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस आते हैं हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में सबसे पहला इज ग्रेटर देन वन इज ग्रेटर देन वन मतलब मैं क्या बोल रही हूं दोनों के बीच में क्या है इनवर्स रिलेशनशिप है इसमें क्या चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और इसमें क्या हो रहा है नो चेंज ओके एक बार इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लो तो आपको सारी चीजें और अच्छे तरीके से याद रहेंगी दिमाग में ओके okay? डन बढ़िया समझ आ गया छोटा सा टॉपिक था बहुत जल्दी कवर कर लिया है हमने ठीक है मैंने बोला ही था बहुत छोटा टॉपिक है आराम से हो जाएगा तो यही था हमारे आज के वीडियो में जहां पे हमने डिस्कस किया था भाई कि टोटल एक्सपेंडिचर में किस तरीके से चेंजेस आते हैं जब किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी चेंज होती है किसकी प्राइस की फाइन होपफुली वीडियो अच्छा लगा और स्टूडेंट्स कोई भी डाउट होना डेफिनेटली हम उससे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि ई नोट्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स है ना तो नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही हो तो उसको भी आप प्रिफर कर सकते हो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है सिर्फ यूट्यूब पर नहीं आपको हमें डिफरेंट सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे पे जैसे कि भाई हमारा पे तो कर ही रहे हो इंस्टाग्राम टेलीग्राम यू हैव टू हो हमसे सीबीएसई को कवर नहीं कर सकते स्टूडेंट्स तो अपने और भी दोस्तों को रिफर कर सकते हो जो सीबीएसई बोर्ड से नहीं है कि डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड को भी हम कवर करते हैं so बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओके सी बी एस ई केस में फ्रॉम किन्द्रे गार्डन टू क्लास ट्वेल्थ एंड जहाँ पे हमारा हिंदी मीडियम चैनल है वहाँ पे क्लास सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्व तक के सारे कोर्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे फिर भी कोई डाउट हो हमारा ऐप और हमारा वेबसाइट गिवन है उस पर जाके आप सारी चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हूँ अच्छे लग रहे हो सेशनस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग